अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पेट लवर मुंबई कर, जो मैं आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके एक नए टॉपिक के साथ। तो शायद से लोग समझ नहीं पाए रहेंगे, लेकिन हम बहुत ही टाइम के बाद आए हैं किसी के यहाँ पे, जिसको आप बहुत पहले से और सबसे पहले आप उनको ही देखते थे। तो उनका कुछ फार्म का सेटअप वगैरह हुआ था, वसीम भाई इन्फॉर्मेशन देंगे। नाम सुन के आप समझिए हम किसके यहाँ पर आए। तो आइए हम बात करते हैं इस काइट पैर के ओनर से, वसीम भाई से। तो अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम भाई। वसीम भाई, इतने दिनों बाद आप वीडियो में आ रहे हैं और चैनल पे आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमारे चैनल पे आ रहेंगे तब हमारे कुछ सब्सक्राइबर अराउंड 2K या 1.5K रहेंगे। डायरेक्टली माशाल्लाह लोगों का प्यार डबल हो गया है। और फिर उसके बाद अब आ रहे कुछ लोग, आपको इसमें पहचान रहे भी नहीं होंगे, नए लोग बहुत सारे आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमसे। तो क्या इन्फॉर्मेशन शुरुआत करना चाहेंगे वसीम भाई? सबसे पहली बात तो बताना पाऊंगा भाई, मैंने फार्म वापस चालू कर दिया हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह उत्तर में फार्म है अपना, और स्लोली भी मैं जो मियां रोड वाला फार्म था वो क्या हुआ वसीम भाई? पूरा उत्तर में मैंने शिफ्ट कर दिया। पूरा उत्तर असली में मैंने उत्तर डाला था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। लास्ट वीडियो में भी हमने बताए थे ये सब बारे में, लेकिन हमने बोला था व्यूअर्स को कि हम उत्तन का फॉर्म भी शूट करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो लोगों को अपडेट कब मिलेगी? तो इंशाल्लाह संडे अपन जाएंगे चाहिए तो फॉर्म पे लेकर अपडेट दूंगा। अभी ये काइट का पैर आया हुआ अपना, अपने पास काइट है। मैं सुना हूँ वसीम भाई, ये मुंबई में बहुत कम लोगों के पास रहता है काइट। इंडिया में सबके बहुत कम है, मेरे हिसाब से बहुत लिमिटेड आदमी लोग के पास ही काइट है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पैर जो है ब्रीडिंग पैर है अपने पास। अभी तक हमने 7 बच्चे निकाल चुका हूँ मैं। 7 बच्चे यही पैर के निकाल चुके? बच्चे के अभी वापस लोडेड है इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे आपकी दुआ रहेगी। तो वसीम भाई, काइट के पैर के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए ऐसे लोगों को, जो नए लोगों को काइट पालना है तो क्या चीज देख के लेना चाहिए? ये काइट तो मतलब पहली बात तो दोनों अलग ब्लड लाइन के होना चाहिए, एक और उनका ब्रीडिंग कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स के बाद में ब्रीड पे आते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो आपके पैर है ये 5 ईयर अडल्ट पैर है? हाँ, मतलब ये 7 साल के, 7 ईयर्स के। लाइफ स्पैन की बारे में बात करेंगे तो 25 ईयर्स अबाउट। क्या इस तक वसीम भाई ये ब्रीड करते हैं, स्टॉप लेते हैं? 20 ईयर्स तक ब्रीड करते हैं। तो वसीम भाई इनमें भी जैसे फाइट वगैरह का कुछ सीन रहता है क्या? नहीं नहीं, फाइटिंग नहीं करते, बहुत बहुत अच्छे बर्ड्स हैं। बट मैंने भी जो मेरे को काइट बहुत पसंद है, बट काइट ये टॉकिंग बर्ड नहीं है। अच्छा। तो जो ग्रे जो है ना भाई, ग्रे टॉकिंग है, अफ्रीकन ग्रे, ये दिखने में कलर है, एवरीथिंग इज गुड। पर अगर आप ग्रे से कंपेयर करते हो तो ग्रे इज वंडरफुल, क्योंकि ग्रे कैन टॉक, बट ग्रे डजंट हैव दैट कलर, दैट नॉट कलर एग्जैक्टली। जो ग्रे है इटसेल्फ ग्रे कलर है। पर ये जो है इंडियन फ्लैग है, सैफ्रन व्हाइट एंड ग्रीन, क्योंकि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन और मेरे पास एक इंडियन बर्ड है। और मेरा बर्ड चले तो मैं इंडियन नेशनल बर्ड बना दूँ। प्लस वसीम भाई का चैनल भी इंडियन बर्ड लवर है। मेरा बर्ड भी चैनल भी इंडियन, वाईफाई का नाम भी वसीम भाई का इंडियन बर्ड है। और हकीकत में मैं बोलता ना भाई, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेम होता है वो देश प्रेम होता है। इफ यू आर ट्रू इंडियन, आप कोई भी कास्ट हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई, यू शुड बी एन इंडियन। और आपके खून में इंडियन होना चाहिए, सही ऐसा बोलने से नहीं होना चाहिए, यू शुड बी एन इंडियन। देखिए हम ये बर्ड्स की वीडियो है तो हम बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत यार वो जज्बा निकल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना काइट का पैर है। तो व्यूअर्स को काइट के पैर के तरफ लेके आते हैं। वसीम भाई इनकी डाइट के ऊपर आ जाते हैं, तो क्या मतलब डाइट स्टार्टिंग से क्या करते हो भाई? मैं इनको तो सुबह उनको मैं जैसा भी कोई भी स्प्राउट्स हो गया, घी हो गया, बाद में मैं वो देता हूँ उनको घी और जो भी आपको देना केला। फिर इसके बाद में दोपहर के टाइम पे मैं सनफ्लावर सीड्स, मोटा कंगनी भी मैं मेरा जो बादाम ऑयल मिक्स होता है, काजू ऑयल बादाम ऑयल मिक्स करके मैं देता हूँ। अच्छा। और उसके बाद में मैं मौसम्बी हो गया, फिर मैं एक फ्रूट कंपलसरी देता हूँ, मौसम्बी हो गया, एप्पल हो गया, चिक्कू हो गया, कुछ भी चीज़ आप एक फ्रूट कंपलसरी देना है। मौसम्बी में बेनिफिट क्या है, विटामिन सी का क्वान्टिटी अच्छी होती है। आवाज़ ज़्यादा करते हैं क्या ये बर्ड जो है? कंपेरेटिव आवाज़ बहुत कम है, सन का नूर से तो बहुत ही कम है, बट इसकी जो क्वालिटी और जो कलर है ना भाई, जो कलर पे पैसे वसूल है। आवाज़ बहुत कम है। वसीम भाई जैसे ग्रे का बच्चा अभी अराउंड दिख रहा है 40-42, हाँ टाइप के बच्चे का क्या? 35-40 के रेंज में जाता है। 35-40 ये प्लेइंग बर्ड है, ये घर पे खेलने जब ये जो बर्ड है आपके पास में पैर है ये जी जी, तो ये क्या मतलब फुल्ली टेम बर्ड है या वाइल्ड में? नहीं ये पूरा वाइल्ड बर्ड है, टेम नहीं है भाई। अच्छा। हाँ बट मैं अभी स्लोली उनको मैं बादाम मेरे हाथ से खिलाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी बादाम हाथ से खाना शुरू करती है, और अभी इनको मिट्टू बोलना चालू किया, मिट्टू नहीं बोल रहे बट अभी विसिल करते हैं, ऐसा करके विसिल करते रहो। अच्छा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि अगर ये मिट्टू बोलना चाहे मज़ा आ जाए फिर। अच्छा।
इंशाल्लाह। तो मैं इनकी ब्रीडिंग के लिए क्या साइज का बॉक्स लगता है भाई? इनका ब्रीडिंग के लिए कम से कम आपको 12 इंच बाय ऐसा 12 चौड़ा होना चाहिए, 12x12। और हाइट में कम से कम आपका सैंपल के लिए आपका बॉक्स दिखा देंगे, अच्छा ऐसा 12 इंच है और ऐसा 16 इंच रखा मैंने लंबे में, और ऐसे भी 12 इंच है। अच्छा, तो अलहमदुल्ला भी आप अंदर नजर मार सकते हो। ये लोग सब अभी इनको नेस्टिंग देना जरूरी है, नेस्टिंग हल्का से नेस्टिंग देना चाहिए। वो देखो आपने बॉक्स में हाथ लगाया और अपने बॉक्स के लिए वो लोडेड है ना, ये फीमेल लोडेड है, इसके लिए बहुत एग्रेशन उसका आँख में दिख रहा है, आँख में उसका एग्रेशन दिख रहा है। एक और एक चीज बोलना था मुझे, बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं क्या भाई अभी बारिश में बर्ड्स को लूज मोशन हो रहा है, अच्छा तो लूज मोशन के लिए बहुत सारे दवाई दे रहे हैं। मैं तो बोलूंगा भाई, तो जितने भी होम्योपैथिक प्रोडक्ट होते हैं आयुर्वेदिक उसी में जाना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मेरे सब बर्ड्स को जैसे बज्जीज भी आप देख सकते हो, मेरे सब बज्जीज को मैं क्या करता हूँ, हफ्ते में 2 दिन पानी के अंदर चाय की पत्ती डालता हूँ। चाय की पत्ती दे दो, उससे लूज मोशन भी रुक जाएंगे और बर्ड आपका एकदम हेल्दी रहेगा। चाय की पत्ती जो है वो हर्ब में आता है, वो अच्छा। पत्ती है झाड़ का, तो उसका बहुत बेनिफिशियल है। मैं चाय की पत्ती देने का तरीका क्या रहेगा वसीम? थोड़ा एक बाउल ले लो, एक पिंच डाल दो, हल्का गर्म पानी डालो और थोड़ा ठंडा होने के लिए उसको दे दो। बर्ड की क्वालिटी मतलब मैं पकड़ूंगा, बर्ड आप पकड़ के दिखाता हूँ। बजीज जो ये सब आपके नॉर्मल बजीज है वसीम भाई के, ये जंबो साइज में क्या है? जंबो वसीम में थोड़ा संभालना है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से ओपन है तो वो बर्ड निकल ना जाए। एकदम तो फ्रेश दिख रहा है, ये हॉलैंड है। अच्छा हाँ, बट आप देखोगे बर्ड एकदम फ्रेश दिख रहा है। हॉलैंड बजीज भी आपके पास अवेलेबल है, देना है क्या अभी होल्ड पे? नहीं इंशाल्लाह है, सेल के लिए ये अवेलेबल है। तो वसीम भाई क्या प्राइस में रहने वाला है ये हॉलैंड बजीज? ये हॉलैंड पेयर है 3500। 3500 माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एक ऐसा पकड़ेंगे तो यहाँ तक आ रहा है कलाई तक आपके ऑलमोस्ट, है ना माशाल्लाह वसीम भाई। तो ये देखने और मौसम भी दीजिए बर्ड्स को, मौसम भी बहुत अच्छा है। अच्छा बर्ड्स को मैं डेली मौसम भी देता हूँ। अच्छा ख़त्म कर दिए। हाँ मौसमी में बेनिफिट क्या होता है, विटामिन सी की कंटेंट बहुत अच्छा है। एक दिन दो दिन नहीं खाएंगे, तीसरे दिन खाना शुरू करेंगे। अच्छा अगर बर्ड्स आपका मौसमी खाएंगे ना, कलर उनका ब्राइट हो जाएगा। अच्छा खिल के आएगा। खिल के आएगा बर्ड का जो ब्लूएशन होगा, ये ब्लू देखो, ये पहले जब आया था हल्का था एकदम डार्क हो रहे कलर, एक फ्लोरोसेंट ग्रीन देखो ना, ये देखो कैसा चमक रहा है अंदर से। बर्ड्स के कलर शाइन करेंगे मौसमी से। जी तो भाई मैंने अभी नज़र डाला कि काइट ने जो रिंग पहनी हुई है, तो ये कट रिंग पहनी हुई है कि क्लोज रिंग पहनी हुई है? ये सब थोड़े मेरे को लगता है शायद कट रिंग हो गया अंदर। अच्छा कट रिंग क्लोज रिंग में भी डिफरेंस होता है। बहुत लोग बोलते हैं भाई क्लोज रिंग अटकती नहीं है, मगर अगर क्लोज रिंग अटक गया पैर सूज गया तो निकलती नहीं है बराबर। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से कट रिंग ही बेनिफिट होता है। कट रिंग को कैसे आप नोजल प्लायर से आप खोल सकते हो, खोल सकते हो और बर्ड बच जाएगा। अभी मेरे पास 2-3 बर्ड लोगों ने कॉल किए थे, सब्सक्राइबर लोगों ने, आपके सब्सक्राइबर ही, उनके बर्ड्स के पैर अटक गए थे, ये हो गए, हम लोग बहुत मुश्किल से रिंग काट के निकाले। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए भाई अपना शौक हो रहा है तो जितना हो सकता है कट को भी बराबर से दबा के आप दबाओगे ना तो वो नहीं आता है। कोई भी अननेसेसरी में तार वीर कुछ भी लटकी है केज में से निकाल दो कुछ भी चीज। ठीक है वसीम भाई, मतलब माशाल्लाह अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया और मुद्दे की बात करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है हमारी, 10 मिनट के ऊपर होने जा रहे हैं। तो वसीम भाई काइट के जो बच्चे आएंगे तो आपके हिसाब से अभी कितने टाइम में आने वाले हैं आपके पास जो? अभी तो इंशाल्लाह साल में 2 बार ब्रीड करते हैं, एक बार ब्रीड हो चुका है, अभी सेकंड टाइम है इंशाल्लाह। तो जो बच्चे आएंगे वो आप लोगों के लिए रखोगे कि होल्ड पे रहेगा? नहीं नहीं अभी मिलेगा लोगों को? नहीं इंशाल्लाह अभी तो एडवांस बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी भाई। अच्छा एडवांस बुकिंग हो चुकी है, अपने एडिस के पास ही भाई है, भाई ने बुक करके रखी है, 2-3 लोगों ने बुक किया इंशाल्लाह। माशाल्लाह क्या रेट में दे रहे हो वसीम भाई एक बच्चा? अलग अलग है, 35 के रेंज में देता हूँ। 35 क्या कितने दिन का बच्चा? वो 25 डेज का। किसी को चाहिए रहेगा तो अरेंज करवा के दे दोगे? नहीं भाई वो चीटिंग होती है, पब्लिक बोलती है काई है, पैसे लेती है और पैसे खा जाती है, तो मैं ना एडवांस लेता हूँ ना एडवांस बुकिंग लपड़ाई में। अभी तो आपने बोला एडवांस बुक करोगे? नहीं खाली वर्बल ही हुआ है, वो भी मिरर में ही है, तो उसके लिए मैं चलो ठीक है बाहर नहीं देना। और अब मैं सब्सक्राइबर्स को भी बोलूँगा किसी को भी भाई ये बर्ड्स में पैसे एडवांस मत दीजिए। अगर कोई बोलेगा जैसे भाई ने बताया थे गिफ्ट, मेरे को बर्ड गिफ्ट देना है बेंगलोर भेजना है, तो बोलेगा भाई ट्रांसपोर्टेशन ये हो, तो किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए आप, क्योंकि ये सब फ्रॉड गेम है बहुत ज़्यादा। ये बर्ड्स में तो बहुत लोग फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत हो गए हैं बहुत, क्योंकि अभी कालाबुर्गी में मेरे फ्रेंड को एक ने 12,000 रुपये आ गया। अच्छा हाँ बोला मैं बर्ड भेजता हूँ ये भेजता हूँ नहीं भेजते लोग, तो आप है ना भले 2 पैसा ज़्यादा दीजिए बट नियर बाई सामने से देख के लीजिए, सामने से देख के बाजू में पेट शॉप से ले लीजिए तो भी पड़ोड़ेगा, क्योंकि देखो क्या हो गया आपका पूरा पैसा लॉस होने के साथ आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। और आजू बाजू से लीजिए, आपको सब्जी सभी से गुजारिश है अगर आप बैंड्रा में रहते हो तो बैंड्रा में बहुत सारे पेट शॉप है, बैंड्रा से लीजिए, कार से लीजिए, नियर बाई लीजिए, आप ज़्यादा दूर दूर मत जाइए।
ठीक है वसीम भाई, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने काइट के पैर के बारे में, और इंशाल्लाह संडे को हम शूट करने की कोशिश करेंगे आपका उत्तन का फार्म। आप अवेलेबल रहना हमारे लिए, तो आप थटासट निकल जाते हैं। तो मम्मी का थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए मम्मी को बेड सोल हो गया है, इसके लिए मैं ज़्यादा घर पे रहता हूँ, क्योंकि बैंडेजिंग करता है। गुजारिश है, ठीक है। तो जिस किसी भाई को भी मतलब वसीम भाई से कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके बारे में टिप चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इंशाल्लाह एनी टाइम मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। वसीम भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते रहिए पैट लवा मुंबई कर्स। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।